देखो उठे इस क्वेश्चन को देख लो फटाफट, है ना। क्वेश्चन किसका है? वर्नियर स्केल का। कितना टाइम लेगा मुश्किल से? 10 से लेके 15 सेकंड, इससे ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन की बात करिए आपका किसका है? आईआईटी का, जो क्वेश्चन नीट में तुरंत रिपीट होगा सीधा। क्वेश्चन क्या दे रखा है? इन एन बिटाबाद का एक्सपेरिमेंट द एंगल्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेजर्ड, गुड़िया बात करें यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट, गुड़िया बात करें ठीक है। 29 डिवीजन ऑफ बिटाबाद का मैन स्केल एक्जैक्टली, गुड़िया बात करें ऑफ द वर्नियर स्केल, कितना बिटा बात करें? 30। तो अपन लिखा बेटा बात करें 29 डिवीजन ऑफ मेन स्केल एक्जैक्टली, गुडे बात करें कोइंसाइड विद द 30 डिवीजन ऑफ, गुडे बात करें क्या? वर्नियर स्केल ठीक है। इफ द बेटा बात करें स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल, गुडे बात करें इस हाफ डिग्री या फिर हाफ ऑफ द डिग्री, मतलब एक डिग्री का आधा ठीक है। तो अपन को पता है गुडे बात करें अगर मुझे क्या निकालना है, और बेटा बात का क्वेश्चन क्या है? देन बेटा बात करें फाइंड आउट लिस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर स्केल। तो छोटा सा क्वेश्चन की बात करें, लिस्ट काउंट निकालना है, एम की वैल्यू पुट करनी है, बी की वैल्यू और ए की वैल्यू पुट करनी है। एम यहां पे क्या बेटा बात करें? मेन स्केल में गुडे बात करें 2 पॉइंट की सबसे छोटी, 2 पॉइंट के बीच की सबसे छोटी दूरी, तो ये तो गुड़े दूरी हो सकती है सबसे छोटी। और उसने कितना कह रहा है गुड़े बात करें कि यहां पर मेजर करने में मैं जो गुड़े बात करें पता यूज कर रहा हूं यूनिट, वो मीटर सेंटीमीटर नहीं, वो डिग्री है, क्या है? डिग्री है। तो गुड़े बात करें उसने एम की वैल्यू क्या रखी बेटा बात करें? 0.5 डिग्री, मतलब 1/2 डिग्री। बी यहां पर क्या बेटा बात करें? नंबर ऑफ वर्नियर के स्केल डिवीजन इक्वल्स टू 30 और नंबर ऑफ बेटा बात की 29। जो गुड़े बात करें नंबर ऑफ वर्नियर स्केल दे रखी है वो दे रखी है क्या? 30। कि मैन स्केल दे रखे थे, जल्दी बोलो, नंबर ऑफ वर्नियर स्केल दे रखे थे 30 और बेटा बात करें नंबर ऑफ मैन स्केल 29। उसने कहा बेटा बात करें जो 30 की वैल्यू वो किसके बराबर है? 29 के बराबर, क्योंकि आपको पता है कि वर्नियर स्केल में गुड़े बात कर रहे हैं दो पॉइंटों के बीच की दूरी छोटी होती है और बेटा बात कर पता है जो मेन स्केल उसमें ज्यादा होती है। तो इसका मतलब क्या है? 30 स्केल और बेटा बात कर या 30 डिवीजन और वर्नियर स्केल इसको गुड़े बात करें 29 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, नहीं समझे? तो यहां देखो गुड़े बात कर लिस्ट काउंट का फॉर्मूला कितना आएगा? एम इंटू गुड़े बात कर बी माइनस ए अपॉन बी। एम यहां पर क्या है? हाफ डिग्री, हाफ मतलब 0.5 इंटू गुड़े बात करें बी कितना बेटा बात करें? 30। ए कितना है? 29 अपॉन कितना बेटा बात करें? 30। 0.5 कितना है बेटा बात करिए? 0.5 इंटू गुड़े बात करें 30 माइनस 29 कितना? 1/3 बात करें 30 आ गया कि नहीं आ गया? अगर 1/3 बात करें 30 को सोल्व करते हैं तो सोचो क्या होगा बेटा बात करें? इसका पॉइंट आओगे तो एक जीरो और नीचे लग जाएगा, तो अपने 10 लगा दिया, कितना आ गया बताओ बेटा बात करें? 5/3 गुड़े बात करें 100। दो जीरो को ऊपर पहुंचा दो तो 5 × 10^-2 आ जाएगा, अपॉन द्वितीय बात करें 3 है। अरे आए कि नहीं आएगा? इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? अगर इसको अपन सॉल्व करें तो कितना आएगा? फिर ऐसे ही सॉल्व कर लो गुड़े बात करें कि 5 × 6 = 30, समझ पा रहे कितना आ गया? 1/60 दीदी बात करें किसमें आया? डिग्री में आया। लेकिन 1/60 डिग्री आंसर नहीं है, आंसर है हाफ डिग्री, 1 डिग्री, हाफ मिनट और दीदी बात करें 1 मिनट। तो आपको पता है बेटा बात करें क्या होता है? 1 डिग्री कितना होता है? 60 मिनट। और दीदी बात करें 1 मिनट बराबर क्या होता है? 60 गुड़िया बात करें सेकंड। कन्वर्ट पता है ना अपन को, कन्वर्सन गुड़िया बात करें। तो अगर बेटा बात करें मुझे ये चाहिए कि 1 डिग्री 60 मिनट, समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब क्या करना बेटा बात करें? 1/60 डिग्री, 1 डिग्री जगह पे क्या करना था अपन को? डिग्री हटा के 60 का मल्टीप्लाई कर तो मिनट में आ जाता, 60 से 60 कैंसिल हो जाता, आंसर कितने आ गया? 1 मिनट में। आंसर कितना आ गया? 1 मिनट। छोटा सा क्वेश्चन था, कर पाओगे नहीं कर पाओगे? क्वेश्चन मैंने जब आपको बताया तो आपको इतना टाइम लगा, लेकिन अपन अगर देखें गुड़े बात का तो मुश्किल से 10 सेकंड का क्वेश्चन था अपने लिए। समझ गए दोस्त कि नहीं समझे? एम मतलब क्या है दीदी बात का? सबसे छोटा मेन स्केल डिवीजन। बी यहां पर क्या बेटा बात करें? नंबर ऑफ बेटा बात करें डिवीजन ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। ए यहां पर क्या है? नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ मेन स्केल। दीदी बात करें रख तो पुट करो आंसर। इस क्वेश्चन को दीदी अपन ने पहले भी किया था, कुछ याद है? ऐसे क्वेश्चन अपन कर चुके थे। अभी भी इसमें अगर कोई तकलीफ हो तो आप बताओ, कर पाओगे? ठीक है,